जो हमारे यहाँ के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख है गुरतेज जो है भुल्लर जी, ये यहाँ के रहने वाले एक सम्मानित नागरिक है और सम्मानित जो है ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख है। इनके यहाँ जो है यूपी से मुरादाबाद से टीम आई थी और जो है जो यहाँ के उधम सिंह नगर पुलिस के बिल्कुल कोई भी बिना इत्तला दिए बिना नॉलेज के जो है टीम ने यहाँ रेड करी और जो है जिसमें प्राथमिक दृष्टया ये हुआ है कि उसमें कोई वर्दी में नहीं था। तो अब इसकी वो की जा रही है सहनिशा की कौन लोग आए थे, कितने लोग थे, क्या थे, तो उसके लिए जो है टीमें गठित कर दी गई है। तो इसमें जो है वो फायरिंग हुई, फायरिंग में जो है ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख इनकी जो है पत्नी की इसमें मृत्यु हो गई है। इसमें जो है आगे की पोस्टमार्टम और बाकी कार्रवाई चल रही है और पुलिस ने जो है अपनी सारी टीमें गठित कर दी गई है और इसमें जो है अभी फिलहाल जो है 302, 147, 452, 504, 506 सभी 120 भी सभी गंभीर धाराओं में इसमें मुकदमा दर्ज करा के जो है इसमें हत्या और जो है ये षड्यंत्र का जो है मुकदमा दर्ज किया गया और टीमें जो है इसमें लगी हुई है कि जो है जो पुलिस के एक प्रकार से अभिरक्षा में ही थे वो लोग, तो अभिरक्षा से भी भागे हैं, तो इस पे भी जो है वो कार्रवाई की जा रही है। गाजीपुर पुलिस के संग भी बदतमीजी की गई है, बताया जा रहा है कि सूर्यापुर चौकी भी पुलिस, हाँ ये जब कुंडा थाने के जो है इनको एलडी भट्ट हॉस्पिटल में इनको भर्ती कराया गया था तो उनके पुलिस की अभिरक्षा में थे तो जब वहाँ से ये भागे हैं ये लोग तो वहाँ पे सूर्या चौकी में भी इनको रोकने का प्रयास किया गया था, वहाँ पे भी जो है इन्होंने बैरिकेड तोड़े हुए रुके नहीं वहाँ पर, तो वो भी हम लोग उसकी भी जाँच कर रहे हैं, फुटेज उसकी भी ले रहे हैं। अभी जो है वो तहरीर में 10 से 12 इन्होंने दिया है तहरीर, जो तहरीर आई है उस सर यूपी पुलिस इस मामले में यूपी पुलिस से वार्ता हुई है आपकी कोई? हाँ यूपी पुलिस से जो है वार्ता की गई है कि उनके द्वारा जो है पूर्व में सूचित क्यों नहीं किया गया था, क्योंकि चूंकि अगर कोई मुजलिम था और कोई ऐसी बात थी तो वो यहाँ की पुलिस को बता देते, यहाँ के आला अधिकारियों से संपर्क करते। तो सर जो मौत हुई है उसमें यूपी पुलिस का आरोप है कि हमारी उनकी गोली से नहीं हुई है, किसकी गोली से हुई है फिर? नहीं ये तो अभी हमारी पूरी फॉरेंसिक टीम